नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह के बारे में। देखिए, तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी को किया जाता है और इस दिन कहते हैं कि 4 महीने की योग निद्रा से भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं और फिर तुलसी विवाह किया जाता है। तो मैं तुलसी विवाह के बारे में नहीं बल्कि तुलसी विवाह की जो व्रत कथा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे क्या कथा प्रचलित है। तो हम कथा में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। तो कथा शास्त्रों के अनुसार जो कथा है मैं वो आपको सुनाती हूँ। देखिए, एक राक्षस कन्या थी जिसका नाम था वृंदा, और वृंदा बहुत ही रूपवान और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्त भी थी। तो जब जैसे जैसे वृंदा बड़ी हुई तो उसका विवाह जलंधर के साथ कर दिया गया, जो कि समुद्र का पुत्र था। जलंधर चूंकि राक्षस प्रवृत्ति का था तो उसके स्वभाव में ही था अत्याचार करना। तो वृंदा जैसे सुंदर थी, गुणवान थी, उसी प्रकार से पतिव्रता थी, और उसके पतिव्रत धर्म की इतनी शक्ति थी कि वो जलंधर की हर जगह रक्षा करती थी, और इसी वजह से जलंधर अजय हो गया था, उसको कोई जीत नहीं सकता था। जलंधर ने जब शक्तियां प्राप्त की और जलंधर को जब वृंदा के पतिव्रत धर्म का कवच प्राप्त हुआ तो उसने उसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया और सब जगह उसने अत्याचार मचा के रखा। इसी प्रकार उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। जब उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके देव कन्याओं को बंदी बनाना शुरू किया तो देवताओं में हाहाकार मच गया और देवता भगवान विष्णु के पास गुहार लगाने गए कि वो जलंधर का वध कर दें। लेकिन चूंकि वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्त थी तो भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा के पति को नहीं मार सकते थे। उन्होंने मना कर दिया कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी भक्त वृंदा का पति है और जो वृंदा का पतिव्रत धर्म है उसका कवच उसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन भगवान जब श्री हरि विष्णु से देवताओं ने कहा कि सृष्टि को जो है खतरे में डाल रहा है वो जलंधर, तब भगवान विष्णु ने देवताओं की गुहार स्वीकार करी और गुहार स्वीकार करते हुए उन्होंने जलंधर का ही रूप लिया। जलंधर का रूप धारण करके वो वृंदा के पास पहुंचा और चूंकि जो वृंदा अपने साधना में और पूजा में लिप्त थी ताकि उसके पति को कोई हरा न सके या उसके पति की कहीं पर पराजय न हो, जब उसने देखा कि मेरे घर के सामने जलंधर रूप में कोई खड़ा है तो उसने उसे अपना पति जलंधर समझकर अपनी पूजा पाठ को छोड़कर बाहर आई और जलंधर स्वरूप भगवान विष्णु के पैर चरण स्पर्श किए। जैसे ही चरण स्पर्श किए तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, पतिव्रत धर्म उसका टूट गया क्योंकि उसने पराए पुरुष के चरण को स्पर्श कर दिया था। जैसे ही उसका पतिव्रत धर्म टूटा तो उधर उसका कवच भी टूट गया और देवताओं ने जलंधर का सर काट दिया, और सर जैसे ही जलंधर का सर काटा तो वो सर वृंदा के सामने गिरा। जब वृंदा ने देखा कि एक सर मेरे सामने पड़ा है और एक जलंधर मेरे सामने खड़ा है तो उसने जलंधर रूपी भगवान विष्णु से पूछा कि आप कौन हैं और आप मेरे पति के स्वरूप में कैसे हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं भगवान विष्णु हूँ। तो वृंदा को क्रोध आया और उसने क्रोध के वश होकर भगवान श्री हरि को श्राप दे डाला कि जाइए, जिस तरह से आपने मुझे पत्थर समझकर मेरे साथ व्यवहार किया है तो वैसे ही आप भी पत्थर हो जाओ। और भगवान श्री हरि विष्णु पत्थर के हो गए और वृंदा ने साथ ही श्राप दिया कि जिस तरह से मैं पति वियोग में रो रही हूँ आप भी एक दिन पत्नी वियोग में रोएंगे, और भगवान श्री राम अवतार में ऐसा ही हुआ था। तो इसके बाद जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा भगवान श्री हरि विष्णु के पत्थर के बन जाने के कारण, तो देवताओं ने गुहार लगाई वृंदा से कि वो अपना श्राप वापस ले ले और भगवान श्री हरि को यथा स्वरूप प्रदान करे। देवताओं की गुहार से वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई। तो कहते हैं कि जहाँ पर वो सती हुई थी वहां पर जो राख पैदा हुई उस राख में एक तुलसी का पौधा पैदा हुआ, जिस पौधे को जो है भगवान ने वरण कर लिया और उस पौधे को वरदान दिया कि जब तक मेरे उसमें भोग में
तुलसी पत्र शामिल नहीं किया जाएगा तो मैं वो भोग ग्रहण नहीं करूंगा। तो उस दिन से, क्योंकि भगवान ने वरण इसलिए किया था वृंदा का तुलसी स्वरूप में, क्योंकि भगवान जिन्हें जो वृंदा के रूप में उनके पति का हरण किया था, उनके पति के प्राण हरण किए थे, उस वजह से कहीं ना कहीं भगवान श्री हरि विष्णु भी जो है ग्लानि में थे, इस वजह से उन्होंने वृंदा का वरण किया था तुलसी स्वरूप में, इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। तो इस वजह से भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी माता से विवाह किया था और तुलसी माता को अपनी पटरानी का दर्जा दिया था, और अपने भोग में जब तक तुलसी पत्र ना हो तब तक भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा वरदान तुलसी जी को दिया था। तो शास्त्रों के अनुसार जो कथा सुनी है, जो प्रचलित है, वो मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या हेल्पफुल या यूजफुल लगी हो तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी कथा के साथ में, फिर किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।